सर, मैं सिमरन सिंह हूँ, अनिजय सिंह की बेटी, जो महमदपुर से बोल रही हूँ। जितने भी लोग आए थे तो सबको बुरा लग रहा है कि हम मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। शायद ही कोई कोई हम लोग के घर पे आ रहा है, नहीं तो कोई नहीं आ रहा है। कोई कोई आ रहे हैं, आप लोग अभी आए तो आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन सब बोले हम लोग इतना पैसा से मदद किए, इतना पैसा किए, कुछ नहीं किया। हम लोग को 2-3 दिन पे धमकी मिल रहा है कि मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक एक ही बाप ही होता है एक ऐसा चीज जो बेटी को साया में रखता है, वही नहीं है हम लोग के पास, तो हम लोग क्या करेंगे। एक ही पापा है मेरे पास, बड़े पापा है वो भी, और उनके पास कुछ भी नहीं है। हम लोग को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? हम लोग आगे पढ़ने के लिए सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं भाई कैसे पढ़ेगा, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मम्मी लोग कैसे काम करेगी। बड़े पापा हमेशा टेंशन में रहता कि क्या करे, कैसे फैमिली को आगे लेके जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाता हम लोग का। सब बोलते है बेटा ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। किसी के ऑफिस में जाते बोलते फोटो, आप लोग तो फोटो खिंचाने के लिए आए थे, हम लोग को बारे में बोल रहे थे। हम लोग को क्या पता था आप लोग मदद करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। बड़े पापा घर में रहते कोई धमकी दे देता है ये करेंगे वो करेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे जियेंगे। एक ही गार्जियन हम लोग के पास, फिर हम लोग भी तो नहीं जी पाएंगे, हम लोग भी आत्मदाह कर लेंगे। या कुछ लोगों को ये बुरा लग गया कि आपने कह दिया कि आप लोग खाली फोटो खिंचवा के आके चले गए हैं, तो कोई बड़े दूसरे कोई बड़े पार्टी के एमएलसी हैं, उन्होंने कहा क्या कहा था कि चूंकि तुमने हमारी बुराई कर दी इसलिए हम तुमको मदद नहीं करेंगे जी। और ऑफिस में मिलने गए तो वो हंस भी रहे थे कि हम तो पैसा लेकर के आते लेकिन तुम लोग हम लोग का बुराई कर दी मीडिया के सामने जी। कि खाली फोटो खिंचवा के तो जाओ, फोटो खिंचवा करके हम लोग आगे मदद नहीं करेंगे, ऐसे ही बोला ना। कहना है आपको, आप जो हम चूंकि उस वक्त जिस हालात में हम यहाँ पे आए थे और यहाँ की भीड़ और जितने लोग आए, बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता, और सबका आश्वासन देखा कि हाँ कोई अपनी बेटी मान रहा था, कोई अपनी बहू और कोई अपनी बच्ची मान रहा था, कोई भाई बन रहे थे कि हम लोग जो हमसे हो सकेगा आज से हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे, कई तरह के रिश्ते उन्होंने जोड़े कि हम बेटा है तो ये है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सारा वो जो कहते हैं ना कि एक जलसा जैसा ये करके अपनी एक रजिस्टर्ड करा लिया कि हम आ गए, ठीक है। ये सारा कुछ आजकल जो है वो जाति के नाम पर, जाति के वोट के नाम पर ये लोग इस तरह से किए हैं। और इस परिवार के साथ जो कहते हैं ना कि एक ऐसा परिवार जो उजड़ गया, कुछ बचा नहीं है इसके पास। स्थिति ये है कि ये सुबह क्या खाएंगे, ये शाम को चूल्हा कैसे जलेगा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एक सिर्फ इसके बड़े पापा बच्चे हैं जो उस वक्त जेल में थे, वो है, वो भी बाहर जाने से डर है क्योंकि उनको धमकी दिया गया है कि हम मार देंगे उनको भी, तो इतना डर है कैसे घर में चूल्हा जलेगा। उस वक्त का आश्वासन इतना ज्यादा था कि हमको भी लगा कि शायद सब कुछ हो गया होगा। उन्होंने कहा था कि नौकरी देंगे, पैसे देंगे, तो हमें लगा कि ये लोग इतना इतना घोषणा करते हैं। अभी तक मम्मी लोग को जॉब वॉब कुछ भी नहीं मिला, सबके पास जाते बोलते छोटा मोटा जॉब, जब कोई लड़की पढ़ी हुई है किसी अपने पापा के दम पे तो उसको तो कुछ बनाना चाहिए ना। मैम छोटे पापा है मेरा अमरेंद्र सिंह, उसके एक बेटी है 3 साल की, बेटा है 2 साल का, वो लोग फोन लेकर के बोलते है पापा को फोन करो। हम लोग कैसे बुलाए पापा को, कहाँ से बुलाएंगे, छोटा छोटा बच्चा कहाँ कहीं पे जाते तो बोलते मेरे पापा कहाँ है, कहाँ चले गए मेरे पापा, कहाँ से बुला दे हम लोग पापा को। हम लोग सब कर लेंगे कि पापा नहीं, ये लोग कैसे करेगा 3 साल 2 साल का बच्चा। कहीं अब वही इतने दिनों के बाद पता नहीं, मतलब फोन नंबर मेरे पास था नहीं, तो हम फोन करते पहले पता चलता तो हम पहले आ गए होते। आज अब रहा नहीं गया तो हमने कहा हम जा करके देखे तो सही परिवार की क्या स्थिति है, और जब देखने आए हैं तो कहीं कोई कुछ नहीं, और ज्यादा खराब हो चुकी है कि पकाएंगे क्या, खाएंगे क्या, बच्चों को खिलाएंगे क्या। कह रहे जब से पापा गए हैं तब से बच्चा जो छोटा छोटा 2-2 साल का दूध जो आता था तो दूध घर में आना बंद हो गया। कुछ लोगों को बस ये बुरा लग जाता है कि हमारी बुराई कर दी कि फोटो खिंचवा करके चले गए, तो जाओ हम फोटो खिंचवा के चले गए तो हम मदद नहीं करेंगे, ये भी कहा।
बड़े बड़े पार्टी के नेताओं ने, एमएलसी ने कह रहे थे जिसकी तारीफ कर रहे थे जाओ उसी से मदद मांगो। क्या 25 साल उम्र है इनकी? बस सिर्फ 25 साल, जहाँ जिंदगी शुरू भी नहीं होती है। आज 2 बच्चों के साथ उनकी जिंदगी खत्म हो गई। कितनी बार ऐसे ही रोती होगी अकेले में। मेला खत्म हो जाता है और फिर सब कुछ पीछे से कुछ रहता नहीं है, वही स्थिति है। मेरा 21 साल में शादी हुआ था, 2 बच्चा है, अभी मेरा एज है 25 साल, लेकिन अभी तक कोई भी हमको ना कुछ जॉब दे रहा है ना कुछ कर रहा है। मेरे एज की लड़की तो कुमारी रहती है, मेरे पास ऐसा मजबूरी था, ना भाई था ना बाप था। इस चक्कर में एक विधवा माँ मेरे को शादी कर दी, कम से कम हस्बैंड हो जाएगा तो एक दामाद बेटा बन जाएगा, हमको भी देखेगा और बेटी को भी देखेगा। लेकिन आज ऐसा हुआ मेरा हस्बैंड को भी वो लोग छीन लिया, आज मेरा 2 घर अनाथ हो गया, कोई देखने वाला। उम्मीद जो होता है जिंदगी जीने का कि हम किस भरोसे जिए, थोड़ा भी मन नहीं करता है जीने का। उसी टाइम में मन करता था मर जाने का, लेकिन आते थे सब नेता, सब बोलते थे कि जॉब दिलाएंगे, पैसा देंगे, ये देंगे, चलो उसके सहारे सोचे जिएंगे, चल कम से कम बच्चा को तो पाल लेंगे, अपने खाएंगे। आज कुछ सहारा ही नहीं दिख रहा है, ना एक रुपया कहीं से आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। कहाँ से 2 बच्चा को पालेंगे, कहाँ से खुद अपना पेट भरेंगे, कुछ भी नहीं है। घटना जिस टाइम में हुआ था उस टाइम में तो बहुत सारे लोग दूर दूर से बहुत सारे लोग आए हुए थे। हम लोग तो किसी मतलब आए थे, बहुत सारे आश्वासन भी दिए, बहुत सारे जितने भी आए सब अपना फोन नंबर भी दिए कि हम ये जरूरत पूरा करेंगे तो हम वो करेंगे। और ऐसा अभी वक्त ऐसा आ गया है कि अब कोई फोन भी नहीं उठाते हैं, फोन करने पे भी नहीं उठाते हैं। इतना परिवार तो लोग खत्म ही कर चुका, लेकिन 5वां मंथ चल रहा है, अभी तक अपराधी 9 अपराधी नहीं पकड़ाया है, जिसमें मेन अपराधी है नवीन झा, वो अभी नहीं पकड़ाया है। और उसका कहना है कि जब तक संजय सिंह को नहीं मारेंगे तब तक हम सिलेंडर नहीं करेंगे। और शायद प्रशासन इस बात को इजली ले न ले या कोई और मतलब ले न ले, लेकिन ये उसका सही मतलब उसका माइंड इन्हीं पे संजय सिंह पर ही आया हुआ है कि जब तक उनको मारेंगे नहीं तब तक जो कोई मतलब हम सिलेंडर नहीं करेंगे। तो प्रशासन अभी तक क्या कर रहे हैं? 5वां मंथ चल रहा है, अभी तक 9 अपराधी नहीं पकड़ा। क्या जमीन तो नहीं न खा गया, आसमान तो नहीं न निकल गया है, तो इधर ही उधर न कुर्की जब्ती के नाम पर क्या हुआ? उस टाइम इतने सारे लोग आए, बोले बुलडोजर से उस लोग का घर टूटेगा। अब बुलडोजर की तो बात छोड़िए, यहाँ पर एक खिड़की और चौकट उस कुर्की जब्ती के नाम पर हट गया और किसी के घर का वो भी नहीं हटा, और बस हो गया, बस वही कुर्की जब्ती हो गया। न चल अचल संपत्ति किसी का नीलाम हुआ तो अपराधी पकड़ाएगा क्यों? उसका धन संपत्ति घर सब कुछ तो बरकरार है, पूरा सेफ है, तो पकड़ाएगा क्यों? न इन तीनों को अभी तक जॉब मिला। उस वक्त सब बोले कि जॉब देंगे, ये देंगे, वो देंगे, अभी तक कोई जॉब भी नहीं मिला। बच्चे लोग का पढ़ाई का कुछ नहीं, जितने लोग आ रहे हैं तो सब बोले कि जॉब देंगे। डीएम साहब भी बोले कि आए तो बोले कि हम इन लोगों को जॉब देंगे। अब बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि आंगनबाड़ी में देंगे तो आशा में देंगे। ग्रेजुएशन की है, आंगनबाड़ी से या आशा से क्या होगा इन लोगों का?
कुछ नहीं होगा, उस सबके होने वाला भी क्या है। हम लोग बहुत आर्थिक स्थिति से भी हम लोग बहुत लाचार चुके हैं। एक मेरे ससुर है, कमाने वाले, पेंशन से कितना हम लोग का इतना परिवार चलेगा। मेरे पति डर के मारे घर से निकलते नहीं है, जो कब मार दे कब क्या कर दे। बहुत हम लोग को दिक्कत हो रही है। इन तीनों को जॉब दिया जाए और हम लोग को मतलब जो हो सके हम लोग का मदद किया जाए। प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तारी, अपराधियों का गिरफ्तारी किया जाए। स्पीडी ट्रायल के बारे में बोला गया था, क्या हुआ? पांचवा मंथ चल रहा है, अपराधी तो नहीं पकड़ाया, स्पीडी ट्रायल कहाँ होगा, क्या होगा? 6 मंथ होने वाला है, अभी तक हम लोग को ना कोई पूछने के लिए आते हैं कैसे जी रही हो, नहीं जी रही हो, बाल बच्चा को कैसे पाल रही हो, कुछ भी नहीं पूछ रहे। अभी दिन में खाना खाते हैं तो रात के लिए सोचते हैं रात में चूल्हा धराएंगे कैसे, क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे। घर में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम लोग के घर में कमाने वाले जो थे वो तो खत्म हो गए, कमाने वाले अब है ही नहीं। एक मेरे बूढ़े ससुर हैं, भैया हैं, जो कुछ करते ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ से खाएंगे। हम दो जेठ और मेरे हस्बैंड को, तीनों जन को मार दिए, तीनों ही कमाने वाले थे, कैसे पालेंगे दोनों को, खुद कैसे अपना करेंगे, समझ में नहीं आता। अपना तो छोड़ो, दोनों बच्चा को कैसे खिलाएंगे वो भी सोचते हैं। दिन में खिला देते हैं तो सोचते हैं रात में कैसे खिलाएंगे। मेरा दोनों बाबू दूध पीता है, दूध भी जिस दिन से मेरे हस्बैंड खत्म हो गए उस दिन से दूध भी नहीं मिलता मेरे बच्चे सबको। हम लोग कैसे जी रहे हैं तो हम ही लोग जानते हैं। आज हम लोग किसी की माँ बहन नहीं है, हम किसी की बेटी नहीं है, हम लोग पे दया नहीं आता है। हम लोग के लिए भी तो कुछ करे, अपनी माँ बहन समझ के तो कुछ करे। यही घटना बड़े लोगों के साथ हुआ होता है तो ईट से ईट अभी तक बच गया रहता, लेकिन हम लोग के साथ हुआ है तो कोई इस बात का कोई अथी नहीं है। क्या करें, लोग पहुँचा, 40-50 गाड़ियाँ लगी रहती थी, सब बोलते थे कि भाई है तो हम तुम्हारे बेटा है। हम लोग के घर में ना बहुत इतना जन आते थे ना कि घर में जगह नहीं रहता। उस टाइम में हम लोग तो खुद ही डरे थे और फिर भी हम लोग आदमी को देख के डर जाते थे, इतना आदमी आते थे। उस टाइम में सब बोलते थे बेटा मत रो ना, हम भाई हैं, हम तुम्हारा बाप हैं, हम तुम्हारा बच्चा को लेंगे, हम तुमको बच्चा का गोद ले लेंगे, तुमको जॉब दिलाएंगे, तुमको पैसा देंगे, सब कुछ करेंगे। आज कहाँ चले गए? आज तो कोई बहन बोलने वाला भी नहीं है, कोई बेटी बोलने वाले भी नहीं है। जो बहन बेटी बोल के गए, बना के गए, आज तो आइए हम लोग को बहन बेटी जो बना के गए, जिस आके वोट के चक्कर में बोल के चले तो गए, कैमरा के सामने में अपना सीन दिखा दिए, आज हम उसको बेटी बना लिए, आज उसको बहन बना लिए, उसके बच्चे को गोद ले लिए। कहाँ गोद लिए, हम लोग के लिए कुछ किए? करते तो हम लोग भी जानते, एक भाई आए थे जो हम लोग के लिए कुछ करके गए। आज हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता और आज हम जो बोल रहे हैं 6 मंथ के बाद तो बोलते नहीं, वो हम उसी दिन समझ जाते चलो मेरे भाई करके गए। आज आपको हम बोलते कि वो भाई करके गए, आपका नाम लेते, लेकिन कोई भी कुछ नहीं मेरे लिए करके गए। समाज कोई भी ना, आज हमारा यहाँ पर 3 पुस्तक चले गए, लेकिन 3 पुस्तक से हम लोग पापा जी कैसे भी मर्डर हुआ मार दिए, आज मेरा पति के भी मार दिए, फिर कल हमारे बच्चा लोग के सियान करेंगे, माने खेते उपजा कर खा कर सा, लेकिन बाद में क्या होगा, मेरे बच्चा के भी मार देंगे तो क्या करेंगे? बोल दीजिए आप लोग यहाँ पर नहीं रहे, हम लोग कहीं भीखे मांग कर खाएंगे, नहीं तो आपको जूठे ही दीदी मल देंगे हम, लेकिन वहाँ पर खा लेंगे और हम क्या कहें, खेंगे, लेकिन जॉब नहीं करेंगे कहाँ से होगा दीदी? प्राइवेट जॉब होगा, नहीं दीजिएगा तो कहीं तो जाएंगे घर। जी जी करवा देंगे तो करोगे? जी कहे नहीं करेंगे, जो बच्चा लेकर नहीं होगा कहीं पर पढ़ा देंगे बच्चा के, मम्मी है ना मेरी, मम्मी के पास रखूंगी कुछ नहीं। लेकिन यहाँ से दीदी एक बात है, आज हम पाल पोस के बड़ा करेंगे, फिर कोई आगे मेरे बच्चा का मार देंगे, यही बात है दीदी, अब हम क्या बताएं? अच्छा जी, देखिए दीदी यही बात है और कुछ नहीं, अब यहाँ पर है नहीं, हम लोग कहीं से पैसा की आमदनी नहीं है। बात करते हैं कुछ, देखते हैं आपके जॉब के लिए ही देखते हैं। जी सर, सरकारी नहीं होती, प्राइवेट होती, लेकिन सरकारी है नहीं, लेकिन दीदी परमानेंट होके चाहिए, प्राइवेट जॉब होती मैंने सब दिन हमारा काम होते, बच्चा हमारा भूखा नहीं मर। जी है बात कम और कुछ नहीं कर सकते।